नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। शुरू करेंगे दोपहर की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, प्रिंस के छोटे भाई बहन अब स्कूल जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि भैया को जैसे मार दिया, कहीं वो हमें ना मार दे। विंकर से यह बात 38 साल के देवत ने कही। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एक गांव में रहने वाले देवत के 12 वर्षीय बेटे प्रिंस की कथित तौर पर प्राइवेट स्कूल के टीचर की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई थी। यह घटना 7 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के बमबावर गांव में हुई थी। प्रिंस के माता पिता दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में उसके भर्ती होने से पहले इलाज के लिए दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के 4 हॉस्पिटल में भटके थे। अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल बेड खोजने में परिवार के 8 घंटे लग गए। अगली सुबह प्रिंस की मौत हो गई। शोभरन नाम के आरोपी टीचर के खिलाफ गैर इरादत हत्या की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपी टीचर अब पुलिस की गिरफ्त में है। बमबावर गांव में शोक, भय और क्रोध का माहौल है। 12 अक्टूबर को जब विंकट उस स्कूल कैप्टन सवरिया पब्लिक स्कूल में पहुंचा तो वह बंद पड़ा था। प्रिंसिपल और कर्मचारी नहीं थे। प्रिंस के पिता देवदत्त ने रोते हुए कहा कि हमने कुछ महीने पहले ही उसका इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया था। मृतक बच्चे प्रिंस की मां मीनाक्षी ने विंकट को बताया कि अपने छोटे भाई बहन अनुष्का और मुकुल के साथ प्रिंस भी उसी दिन सुबह 7:05 स्कूल के लिए निकला था। प्रिंस की मां मीनाक्षी ने अपने आंसुओं से झूझते हुए कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने उससे आखिरी बार क्या बात की थी। कोई नहीं सोचता कि उसका बच्चा स्कूल जाएगा और वापस नहीं लौटेगा। प्रिंस की मां मीनाक्षी, मेरे तीनों बच्चे एक ही बेड पर सोते थे। इन दिनों को प्रिंस की इतनी आदत है कि अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। कुछ दिन पहले प्रिंस ने मुझसे कहा था कि वो दीपावली पर घर सजाना चाहता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे रोशनी पसंद है। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खौफनाक वीडियो सामने आया है। एक छात्रा यूनिवर्सिटी की 4th मंजिल पर पहुंची, अपने हाथ फैलाए और फिर छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वहीं सिर भी खून के थक्के जम गए हैं। मेरठ SSP ने भी मौके पर जाकर मामले की जांच की है। वहीं छात्रा की छत से छलांग लगाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ में नेशनल हाईवे 58 स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वानिया BDS कोर्स के दूसरे वर्ष की छात्रा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर को वह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बिल्डिंग की छत पर पहुंच गई। छत की दीवार पर खड़े होकर उसने पहले अपने हाथ हवा में फैलाए और एकाएक नीचे छलांग लगा दी। वानिया के नीचे गिरते ही गार्डो ने शोर मचा दिया। वहीं यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्तर पर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मौके पर छात्रों, मेडिकल शिक्षकों और अन्य लोगों ने भी भीड़ जमा हो गई। गंभीर हालत में वानिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हलचल काफी गंभीर है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इसके अलावा सिर में भी खून के थक्के जम गए हैं। घटना की जानकारी पर वानिया ने परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिवार वालों ने बताया कि उसे कोई तनाव नहीं था।